जब तक बीबी हलीमा सादिया और इनके शौहर हारिस वहां पहुंचे तो अब कोई बच्चा दस्तयाब नहीं था, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रह गए थे। तो बीबी हलीमा ने सोचा कि मैं अब इतनी दूर से आई हूँ और मेरी तमाम सहेलियों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है, तो मैं अब खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। बहरहाल जब रवानगी का वक्त आया तो बीबी हलीमा को महसूस हुआ कि मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा, खुदा की कसम मैं ज़रूर इस यतीम बच्चे के पास जाऊंगी और ज़रूर इसको लेकर आऊंगी। तो उनके शौहर ने कहा, तुम अगर समझती हो कि तुम इस यतीम बच्चे की परवरिश कर सकती हो तो तुम ज़रूर इसको ले लो, इसमें कोई हर्ज नहीं, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको हमारी खैर और बरकत का सबब बनाएंगे। अब इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि जिस बच्चे को ये लेने जा रहे हैं ये तो वो बच्चा है जो तमाम आलम का नबी बनेगा, और ये तो वो बच्चा है जिसके हाथ में कैसर और कसरा के खजानों की कुंजियाँ होंगी।